दोस्तों, कोई आदमी कितनी बार असफल हो सकता है? 10 बार, 15 बार या 50 बार, या फिर शायद इन प्रयासों के बाद वो अपनी कोशिश ही छोड़ दे। मगर इन जनाब ने 1009 बार असफल होने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार मंजिल को पाकर ही छोड़ा, और वह भी 65 साल की उम्र में। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बार बार असफल होने पर भी उत्साह को ना खोना ही सफलता है, और इन्होंने इस कथन को सही साबित कर दिखाया। इस व्यक्ति का नाम है कर्नल हारलैंड सैंडर्स, जो है दुनिया की सबसे बड़ी व प्रसिद्ध फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर। कर्नल सैंडर्स की इस सफलता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं KFC के लजीज चिकन को बनाने वाले सैंडर्स की चटपटी कहानी। हेलो, मैं हूं कर्नल सैंडर्स। 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के हेनरी विले शहर में पैदा हुए सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। जब वह 6 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी माँ को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उनकी माँ टमाटरों की एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। इस बीच सैंडर्स घर पर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता था, और शायद इसी वजह से उन्होंने 7वीं तक की पढ़ाई की, और इसके बाद उन्हें घर खर्च निकालने के लिए नौकरी करनी पड़ी। वह इस दौरान खेत में सहयोगी के तौर पर काम किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सैंडर्स अब 16 साल का नौजवान हो गया था। इसी बीच वह अपनी एज को छिपाकर अमेरिकन आर्मी में शामिल हो गया, लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने रेलवे में मजदूरी की, लेकिन यहाँ भी वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, और साथी वर्करों के साथ झगड़े के चलते उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद हताश सैंडर्स अपनी माँ के पास आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी आदेशों की अवहेलना के चलते उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सैंडर्स बार बार मिल रही असफलता से हताश जरूर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साल 1920 में नाव बनाने की एक कंपनी खोली। कुछ समय बाद उन्होंने इसकी जगह लैंप बनाने का काम शुरू करने का विचार बनाया। सैंडर्स फिलहाल इसी बारे में सोच ही रहे थे कि एक अन्य कंपनी ने काफी बेहतर लैंप को बाजार में उतार दिया, और बेचारे सैंडर्स इस काम को फिर शुरू नहीं कर पाए। साल दर साल समय बीतता गया, लेकिन सैंडर्स की गाड़ी पटरी पर ही नहीं आ पाई। 40 की उम्र में सैंडर्स ने फैसला किया कि वह चिकन के पकवान बेचने का काम करेंगे। अपने चिकन के स्वाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए सैंडर्स ने सड़क से गुजरने वाले लोगों को इसे मुफ्त में बांटा। कुछ समय बाद उन्होंने सड़क के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। सन 1935 के दौरान जब एक बार वहां के गवर्नर रूबी लेफून उस सड़क से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट पे भी नाश्ता किया। यहाँ का चिकन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट को केंटकी कर्नल नाम दे दिया। हालांकि अब लोग उन्हें जानने लगे और रेस्टोरेंट भी थोड़ा बहुत मशहूर हो चुका था, लेकिन ये ज्यादा समय तक चल नहीं सका। एक झगड़े के चलते 4 साल बाद उन्हें इसे बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने दोबारा एक नया रेस्टोरेंट खोला, लेकिन इस बार विश्व युद्ध छिड़ने के चलते ये भी बंद हो गया। अब तक सैंडर्स लोगों को अपने चिकन का स्वाद चखा चुके थे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने के बाद लोग उनके चिकन को नहीं खा पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों ना अपने रेस्टोरेंट की आगे ब्रांचेस खोली जाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह एक एक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रेसिपी देंगे और उनसे मुनाफे में हिस्सेदारी खरीद लेंगे। ये इतना आसान भी नहीं था। काफी समय तक सैंडर्स को इसमें सफलता नहीं मिली। वह जिस रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी लेकर जाते, उसे वह रिजेक्ट कर देते। इस प्रकार उनकी रेसिपी करीब 1009 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन सैंडर्स का हौसला कहां टूटने वाला था। वह लगातार कोशिश करते रहे, और आखिरकार वह समय आया जब उनकी कोशिश सफल हुई। कुछ ही समय में उनकी केंटकी फ्राइड चिकन की रेसिपी इतनी पॉपुलर हो गई कि अब KFC की ब्रांचेस सिर्फ शहर में ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच गई थी। साल 1964 के आते आते
KFC की 600 ब्रांचेस खुली। इसके बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी इस कंपनी को $2 मिलियन में अपने निवेशकों को बेच दिया। इसके बाद 1969 में KFC का नाम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में गूंजने लगा। समय के साथ साथ KFC का रुतबा बढ़ा तो इसकी ब्रांचेस की संख्या 600 से 3500 तक पहुंच गई। 1971 में कंपनी को ह्यूबलेन इंडस्ट्री ने 285 मिलियन में खरीद लिया। फिर ह्यूबलेन को रिनॉल्ड्स ने खरीद लिया, जिसके चलते KFC उनकी कंपनी का हिस्सा बन गई। आखिरकार साल 1986 में दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट बनाने वाली पेप्सिको कंपनी ने $840 मिलियन की भारी कीमत चुकाकर KFC को खरीद लिया। बावजूद इसके आज भी KFC को सैंडर्स के चेहरे से ही जाना जाता है। आज भी दुनिया भर में KFC के ब्रांड लोगो पर सैंडर्स की तस्वीर लगी है। उनकी बकरा दाढ़ी और वेस्टर्न टाई KFC की पहचान है। दुनिया भर के लोगों को अपने हाथों के स्वाद से अपना दीवाना बनाने वाले सैंडर्स की मौत 90 की उम्र में 16 दिसंबर 1980 को हो गई। बावजूद इसके अपनी लाजवाब चिकन रेसिपी के चलते वह दुनिया भर के लोगों की यादों में जिंदा है। दुनिया भर में एक अनुमान के मुताबिक साल 2017 तक KFC की लगभग 22,000 ब्रांचेस थी। अगर आप बार बार मिलने वाली असफलताओं से परेशान हैं, तो एक बार कर्नल सैंडर्स की इस कहानी को जरूर याद करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की फैक्ट्स और बॉलीवुड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।